नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। गोरजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने एडिशन, आज डे टू वीक टू, और आज हम पढ़ेंगे सबस्ट्रैक्ट यानी घटाना। जी हाँ दोस्तों, वैदिक मैथ में घटाने का मजा ही अलग है, क्योंकि यहाँ घटाना नहीं होता है, जोड़ना होता है। आप बोल रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, घटाने में तो घटाएंगे, जोड़ेंगे कैसे? जी हाँ दोस्तों, वैदिक मैथ की यही तो कला निराली है कि जोड़ने में भी घटाने में भी जोड़ना है। वैदिक मैथ की यही कला तो निराली है कि घटाने में भी जोड़ना है। क्या होता है दोस्तों, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो बहुत आसानी से इजीली घटाया जा सकता है। जैसे 8 में से 5 को घटाना है तो इजीली आंसर 3। लेकिन जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना होता है तो हम पास वाली संख्या से बोरो लेते हैं। लाइक 5 में से भी 8 को घटाना है तो 5 में से 8 घटता नहीं, और हम पास वाली संख्या से बोरो लेते हैं और फिर हम उसको घटाते हैं। फिर यदि संख्या ज्यादा है फिर बोरो लेते हैं फिर घटाते हैं। घटाने का झंझट ही खत्म। दोस्तों, वैदिक मैथ के आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि घटाने में भी जोड़ने का काम होगा, लेकिन ये जोड़ने का काम दोस्तों की सहायता से होता है। वैदिक मैथ हो या अबेकस हो, दोनों में फ्रेंड बहुत जरूरी है। यानी जिन दो चीजों का मिलकर के टोटल यदि 10 हो जाए वो आपस में फ्रेंड कहलाते हैं। तो सब्सट्रैक्ट यानी घटाने वाले टॉपिक को यदि आपको समझना है तो आपके दिमाग में फ्रेंड को समझना जरूरी है। और फ्रेंड की लिस्ट ये है दोस्तों, 1 का फ्रेंड 9, 2 का फ्रेंड 8, 3 का फ्रेंड 7, 6 का फ्रेंड 4, 4 का फ्रेंड 6, 5 का फ्रेंड 5। जी हाँ दोस्तों, यदि 1 और 9 की मैं यदि बात करूं तो इनका टोटल 10 आता है। तो 1 का फ्रेंड 9 है और 9 का फ्रेंड 1 है। ऐसा नहीं है कि 1 का फ्रेंड केवल 9 है, 1 का फ्रेंड 9 है और 9 का फ्रेंड 1 है। इसी तरह यदि मैं 2 की बात करूं तो 2 और 8 मिलकर के 10 बनते हैं। तो 2 का फ्रेंड 8, 8 का फ्रेंड 2। इसी तरह 3 का फ्रेंड 7, 7 का फ्रेंड 3, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, टोटल 10। इसी तरह 4 का फ्रेंड 6 और 6 का फ्रेंड 4, दोनों का टोटल 10। इसी तरह 5 का फ्रेंड 5, तो 5 का फ्रेंड 5, दोनों मिलकर टोटल बनते हैं। तो दोस्तों, आप इस फ्रेंड को तो याद ही कर लीजिए, दिमाग में ले आइए कि जब दो संख्याएं मिलकर के 10 बनाती हैं तो वो आपस में फ्रेंड कहलाती हैं। और हम फ्रेंड की सहायता से वैदिक मैथ में घटाना सीखेंगे, साथ ही जो हमने एडिशन में पढ़ा था, क्योंकि मैंने कहा ना दोस्तों यहां पे घटाना नहीं या जोड़ना होता है, तो मैंने कहा ना दोस्तों यहां घटाना नहीं जोड़ना होता है। फ्रेंड की सहायता से हम चीजों को जोड़ते हैं, साथ ही जो हमने एडिशन वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एकाधिकेन, उसका भी हम प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, बातों से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उदाहरण के माध्यम से फिर इसका रूल बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए 45 माइनस 18, जब हम 5 में से 8 को घटाते हैं यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो पास में से बोरो लेते हैं। यहां बोरो नहीं लेना है, यहां फ्रेंड की मदद लेनी है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जब 5 में से 8 को घटाएंगे तो घट कौन सा नहीं रहा, 8। तो मदद करने कौन आएगा, जो संख्या नहीं घट रही है उसका फ्रेंड, और 8 का फ्रेंड 2, 8 का फ्रेंड 2। करना कुछ नहीं है, 5 में 2 को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, मतलब जिस छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घट रही है, 5 छोटी संख्या 8 बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का फ्रेंड छोटी संख्या में ऐड कर देंगे, यानी 8 का फ्रेंड 2,
टू, एट का फ्रेंड टू, और किस में से घटा रहे हैं, फाइव में से। अब एट नहीं घट रहा है तो जो नहीं घट रहा है उसी की तो कोई मदद करने आएगा दोस्त, तो एट की मदद करने कौन आया, टू। मैंने क्या बताया, फ्रेंड कौन होता है, जो दो डिजिट आपस में मिलके टेन बन जाए, तो एट प्लस टू मिलके क्या बनते हैं, टेन। तो फाइव प्लस टू यानी एट का फ्रेंड सेवन, सेवन नीचे चला जाएगा। एक काम तो ये करना है दोस्तों, जो संख्या घट नहीं रही है उसके फ्रेंड को छोटी संख्या में ऐड करके नीचे लिख देंगे। सेकंड, जो संख्या नहीं घट रही थी यानी बड़ी वाली संख्या के पास में डॉट लगा देंगे, एकाधिकेन, यानी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। वन के पास में क्या लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, तो वन की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। अब देखिए दोस्तों, तो नियम क्या बना, नियम बनता है छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाना हो तो बड़ी संख्या के फ्रेंड को छोटी संख्या में जोड़ देंगे और बड़ी संख्या के पास वाली जगह पे डॉट लगा देंगे, यानी जो पास में जो भी संख्या लिखी हुई है उसका मान एक बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फाइव में से एट घटाना था, एट घटानी, एट का फ्रेंड टू, फाइव में कितना ऐड हो गया, टू, आया क्या आंसर, सेवन, पास में लगा दिया डॉट, यानी वन की वैल्यू क्या हो गई, टू। तो अब घटेगा कितना दोस्तों, फोर में से वन नहीं टू, क्योंकि वन की वैल्यू क्या हो गई, टू, फोर में से टू गए टू, आंसर इज 27। चलिए आइए दोस्तों एक दो उदाहरण और देखते हैं, थोड़े बड़े उदाहरण देखते हैं, लार्ज उदाहरण देखते हैं कि फ्रेंड की सहायता से हम कैसे सब्स्ट्रैक्ट कर। वैसे बहुत मजा आया दोस्तों आपको कि घटाने में भी जोड़ने का काम हो रहा है। चलिए आइए एक और उदाहरण देखते हैं, 72 प्लस माइनस 44, 72 में से घटाने हैं 44। अब दोस्तों 2 में से कितने घटाने हैं, 4, 4 घट नहीं रहा, 4 का फ्रेंड 6, 2 में कितना ऐड कर दिया, 6 प्लस 2 8 आ गया नीचे, एकाधिकेन। अब जो संख्या घट नहीं रही यानी 4 नहीं घट रही तो उसके पास में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, तो 4 की वैल्यू कितनी रह गई, 5, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 7 में से 5 गए तो 2, आंसर इज 28। दोस्तों यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कितनी भी बड़ी सब्सट्रैक्ट आप विद इन 30 सेकंड कर सकते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस 4 एक लो, 12 हुए, 8 बचे, 9, 2 माइनस 4, 4 का फ्रेंड 6, 6 प्लस 2 8, इधर आ गया एक और डॉट, 7 में से 4 नहीं, 4 की वैल्यू क्या होगी, 5, 5 बैठाया तो आंसर 2, 28। चलिए आइए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 27 माइनस 19, अब 7 में से 9 घटाने हैं, 9 का फ्रेंड 1, 7 में क्या ऐड किया, 1, आंसर आया 8, 9 के पास में क्या लगा दिया, डॉट, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे, आंसर 0, एक डॉट और 1, इनकी वैल्यू क्या हो गई, 2, आंसर इज 0, तो आंसर क्या आया, 0, 8। चलिए ये दोस्तों और हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 560 माइनस 487। अब दोस्तों 0 में से 7 घटाना है, तो वही बात, 7 का फ्रेंड 3, 0 प्लस 3 3, नीचे आ जाएगा एकाधिकेन, 8 की वैल्यू क्या हो गई, 9, 8 के ऊपर डॉट लग गया ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 9। अब 6 में से 9 घटाने हैं, 8 नहीं घटाने हैं, 8 की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, तो 6 में से क्या घटाना है, 9 घटाना है, 9 का फ्रेंड 1, 1 किस में ऐड हो जाएगा, 6 में, 6 प्लस 1 7, और इधर वापस क्या लग जाएगा, एकाधिकेन डॉट, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई, 5, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 5 में से 5 गए 0, आंसर इज 073। चलिए आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, 664 माइनस 487, 664 माइनस 487। अब 4 में से 7 को घटाना है,
घटेगा नहीं। 7 का फ्रैक 3 किसमें ऐड हो गया, 4 में, 4 प्लस 3 7, एकाधिकेन एक अधिक कर देंगे, 8 की वैल्यू क्या हो गई 9, आप 6 में से 9 को घटाएंगे, 9 का फ्रैक 1, 6 में क्या ऐड हुआ 1, वापस क्या आ गया 7, एकाधिकेन 4 की वैल्यू क्या हो गई 1 ज्यादा हो गई यानी 5, 6 में से 5 को घटाएंगे 1, आंसर इज 177। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजी है पर थोड़ा डिफरेंट है। 5622 माइनस 4847। अब देखिए दोस्तों, 2 में से जब एरिया में 7 को घटाना है तो 7 का फ्रैक 3 किसमें ऐड हो गया 2 में, 2 प्लस 3 5, एकाधिकेन 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 2 में से 5 जब हम घटाएंगे तो 5 का फ्रैक कौन आ जाएगा 5, 5 प्लस 2 7, एकाधिकेन 8 की वैल्यू क्या रह गई 9, अब 6 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 9 का फ्रैक 1, 6 प्लस 1 7 और 8 में 7 और इधर वापस 4 की वैल्यू क्या हो गई 5, आंसर इज 5 माइनस 5 0, 0 7 7 5। चलिए दोस्तों लास्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल, 7503 माइनस 4986। अब देखिए दोस्तों, 3 में से जब हम 6 को घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 का फ्रैक 4, 4 प्लस 3 7, एकाधिकेन 8 की वैल्यू क्या रह गई 9, 0 में से 9 को अपन घटाएंगे तो हम क्या कर देंगे 9 का फ्रैक 1, 0 प्लस 1 1, यहां 7 आ गया यहां 1 आ गया एकाधिकेन। अब दोस्तों 9 में यदि एकाधिकेन करेंगे तो 9 की वैल्यू क्या हो गई 10, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब 10 में है दो डिजिट तो 9 की वैल्यू 10 ना हो करके 9 की वैल्यू 0 रह जाएगी और 4 कहां से, 1 कहां चला जाएगा एकाधिकेन, क्योंकि हमने एडिशन में पढ़ा है कि 10 से ऊपर आते ही एकाधिकेन, तो यहां पे 9 की जब हमने एकाधिकेन किया तो 9 की वैल्यू 10 हुई, 10 की जगह हमने 9 की वैल्यू क्या मानी 0 और 4 की वैल्यू क्या रही एकाधिकेन यही हो गया 4 का, तो 5 में से 9, 9 तो जाएंगे नहीं 0, 10 है ना तो 10 का 0 लेस कर दिया तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 7 में से 4 नहीं 5 होंगे क्योंकि 0 10 का एकाधिकेन इधर आ जाएगा, माइनस किया 7 में से 5 2, आंसर इज 2517। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि जब वैल्यू 10 हो जाए, जब वैल्यू 10 हो जाए तो वहां 0 रहेगा और एक एकाधिकेन से दूसरी ओर चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों अब होता क्या है, आपने देखा नियम को समझा, करना क्या है बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएं, बड़ी संख्या का फ्रेंड ऐड कर दे, एकाधिकेन कर दे, और आप बोलते हैं कि मैं वैदिक मैथ में परफेक्ट हो गया हूं अब मुझे जरूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब भी आप चैप्टर पढ़े 6 डे रिपीट जरूर करें, ये मेरी बात को याद रखिएगा दोस्तों, 6 डे रिपीट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपके दिमाग में एकाधिकेन फ्रेंड इजीली याद होंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ये विजुलाइज होने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे बाकी के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके तहत आपका विजुलाइजेशन पावर वैसे भी ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको करनी है 6 दिन हमारी अभ्यास पुस्तिका से कंप्लीट प्रैक्टिस, साथ में रोजाना 15 मिनट मन चाहे सब्सट्रैक्ट लीजिए घटाइए और घटाने में भी जोड़ने का आनंद प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।